नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आम आदमी पार्टी बोकारो के द्वारा जिला संयोजक ज्योतिष कुमार के नेतृत्व में शनिवार 20 जून को सेक्टर 4 महात्मा गांधी चौक के समीप चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पार्टी की ओर से जिला संयोजक ज्योतिष कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से भारत और भारतीय सेना के साथ है। किसी कीमत पर हमारे सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। चीन को मुंहतोड़ जवाब देना जाना चाहिए और चीन के खिलाफ भारत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी कुमार राकेश ने कहा कि चीनी सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में झारखंड के 2 जवान गणेश हाजदा एवं कुंदन ओझा समेत देश के 20 शहीद जवानों को आम आदमी पार्टी की ओर से उनके शौर्य को सलाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। केंद्र सरकार पर उन्होंने बॉर्डर की यथास्थिति पर पारदर्शिता नहीं बरतने एवं घंटों तक बंदी बनाए गए हमारे सैनिकों की खबर देश से छुपाने का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी बोकारो ने झारखंड सरकार से मांग किया है कि दिल्ली सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी शहीदों के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दिया जाए, साथ ही उन्हें एक भूखंड सहित पक्का मकान एवं नौकरी प्रदान की जाए। इस मौके पर हरेंद्रनाथ चौबे, सानू कश्यप, अरुण किशोर, मृणाल चौधरी, शंभू मिश्रा, आनंद कर्मकार, गणेश चंद मुर्मू, गोपी शर्मा, पान बाबू मुर्मू, वैद्यनाथ रजक, माधव मांझी, मकबूल अंसारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे देश में आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन बेसिकली जो चीन के द्वारा भारतीय सीमा में लगातार पिछले 20 दिन से ये कोशिश हो रही है कि कोशिश क्या, ये साफ दिखाई दे रहा है, न्यूज में भी आया है कि 60 स्क्वायर किलोमीटर तक ये भारत की जमीन पे चीनी सैनिक अंदर घुस चुके हैं। रक्षा मंत्री कहते हैं कि चीनी सैनिक हमारे देश के अंदर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री उसके उलट ये कहते हैं कि कहीं पे भी कोई भी हमारे सीमा के अंदर नहीं आया है। वो कहते हैं हमारा कोई भी सैनिक पकड़ा नहीं गया। तो सवाल ये उठता है कि रक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। ये साफ साफ देश के साथ में देश को गुमराह करना है, देश के लोगों को गुमराह करना है। एक प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक स्थिति देश के सामने लाए। दूसरा, हम लोगों ने जो ये प्रदर्शन किया इसके खिलाफ में है कि आज चाइना के भारतीय सीमा में आने के बाद जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, 20 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए हैं, इसको हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर है तो सैनिक हमारे कमज़ोर नहीं हैं। हमारे सैनिकों ने उसका जवाब भी दिया और चाइना के कई सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये खबर भी आई कि हमारे और 75 सैनिक घायल हुए, तो एक तरीके से अस्पष्ट जानकारी बार बार मिल रही है। देश के नागरिकों का अधिकार है कि देश के बारे में वास्तविक जानकारी उनको मिले और सरकार की ये जिम्मेदारी को जानकारी उपलब्ध कराए। इसी को लेकर के हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड से भी इस शहीद शहादत में 2 हमारे झारखंड के लाल शहीद हुए हैं। हम झारखंड सरकार से इसके साथ साथ मांग करते हैं कि जैसे दिल्ली सरकार शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि मदद के रूप में देती है, उसी तरीके से झारखंड सरकार भी 10 लाख रुपए की इन्होंने घोषणा की है। 10 लाख से कुछ नहीं होगा, सैनिकों को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके परिवार के जीवन यापन के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ की सहायता राशि यहाँ के शहीद लोगों को भी दिया जाए, उनके परिवार को दिया जाए, साथ ही उनके रहने के लिए घर, जमीन का पट्टा और एक व्यक्ति की नौकरी भी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के आज का हमारा ये प्रदर्शन है।